मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर आज टीकमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक भाजपा सरकार है तब तक ही लाडली बहना योजना है, और अगर कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी और ना ही बहना रहेगी और ना ही किसान रहेंगे और ना ही सम्मान निधि रहेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी नलों से पानी दिया है क्या? जब कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा है तो जनता को कहां से देंगे? बिना पानी की कांग्रेस है ये भला नहीं कर सकती। उन्होंने भाजपा सरकार की सभी योजनाएं बंद करने का पाप किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को रोजगार देंगे, ये हमारा संकल्प है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, बढ़िया है, सभी तक लाभ योजना है। अगर जवाहरलाल काम के साथ ना गांधी रहेगी ना बहने रहेगी ना किसान रहेंगे ना सम्मान निधि रहेगी, सब बताने वाला है तो सारा रहेगा। कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? उनसे बताओ, मेरे कहने हो। अरे कांग्रेस ने पानी नहीं बचा, जनता को कैसे पानी देगी? ये बिना पानी की पानी है, ये बड़ा नहीं कर सकती। इनके साथ योजना भाजपा की सरकार की बंद करने का पाप किया। मेरे भाई और बहनों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा से पास रेल से ले जाते थे, मेरी कमर दाल की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। योजना बंद कर दी, बेटी बेटियों के लैपटॉप छीन लिए, कन्या विवाह एक रोजगार, हर परिवार एक रोजगार, कोई ना कोई रोजगार का अवसर, सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सी को दबाव हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर टीकमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के समर्थन में शहर के मध्य स्थित मानस मंच पर आम सभा को संबोधित किया। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।